खबर बांदा जनपद से जहां रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 5 वर्षीय मासूम बच्चे के पारिवारिक बाबा ने ही दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देने के बाद बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला बांदा जनपद के मरका थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का है, जहां पर एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ परिवार के ही बाबा ने बहला फुसला कर अपने घर ले गया और मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद मासूम बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी और शव को घर में छुपा दिया। वही घटना के बाद आरोपी बिल्कुल अनजान बना रहा और परिजन बच्ची की खोजबीन करते रहे, लेकिन कई घंटों तक बच्ची नहीं मिले और परिजनों को आरोपी राम बहादुर प्रजापति के बातों से कुछ संदेह हुआ। तब परिजन और मोहल्ले वासियों ने आरोपी से मारपीट करते हुए कड़ाई से पूछताछ की, तब जाकर आरोपी ने घटना की जानकारी दी और परिजनों ने पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की सूचना मिलते ही बांदा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ संघ मीणा बबेरू क्षेत्र अधिकारी सियाराम घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। वही पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर मेडिकल परीक्षण कराने के बाद जेल भेज दी है। समुद्रा थाना मार्ग अंतर्गत एक घटना घटित हुई, जिसमें एक 5 वर्षीय बच्ची थी, उसके बाबा के चचेरे भाई के द्वारा उसको घर में बहला फुसला के बुलाया गया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।